गजब बेइज्जती है। बेटे बेटे माज कर दे, हां माज कर दे वाह बेटे वाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो आज बाइक पे हो गया ज्यादा बर्नआउट, तो What's up guys, this is Vikram Raidan, welcome back to the channel. So आज मैं राइड कर रहा हूँ पल्सर 150 और ये बाइक मैं ऑलमोस्ट 2012 से राइड कर रहा हूँ। कॉलेज में मैंने ली थी बाइक, पापा ने मेरे दिलाई थी एंड अभी तक मैं चला रहा हूँ इस बाइक को। सो आज का व्लॉग मेरा इसलिए है क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेजेस आए कि भाई आपका लाइफ सही है, आपका पूरा सुपर बाइक्स की राइड्स पे भी जाते हो, RR 310 का बाइक के राइड पे भी जाते हो, तो आपका बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, बट आई वांट टू राइड। सो जो ओवरऑल मेरा कहना ये है कि आपको अगर राइड पे जाना है देन बाइक डजंट मैटर, क्योंकि अगर आपको राइडिंग अच्छी लगती है ना तो आप साइकिल पे भी जाओगे, किसी से भी जाओगे, बट जाओगे। तो मैटर नहीं करता कि आप क्या राइड कर रहे हो, कौन सा बाइक है, 150 सीसी का है, 100 सीसी का है, या फिर 200 सीसी का है, 300 है, या फिर सुपर बाइक्स की कैटेगरीज में आ जाते हो तो कावासाकी राइड कर लो, BMW। हाँ मतलब प्राइस वाइज फील वाइज इट विल बी डिफरेंट, बट अगर आपको सिर्फ राइडिंग जो एक्चुअल प्रेशर होता है राइडिंग करने का अगर वो चाहिए है then I don't think so any bike can replace it। मतलब I don't think कि आपको बाइक से फ़र्क पड़ना चाहिए। तो मैं इसलिए आज पल्सर 150 लेके आया, थोड़ा सा सीजन्स तक जाएंगे, थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा के आज अचानक से प्लान बन गया कि चल भाई एक बार चाय पी के आते हैं। तो ओवरऑल मेरा यही कहना था कि बाइक राइड मैटर करती है, आप कौन सी बाइक पे जा रहे हो दैट डजंट मैटर। तो फिलहाल अभी तो आई थिंक 12 बजने वाला होगा एंड मैंने जो राइडिंग गियर्स है वही सारे प्रॉपर पहने हुए हैं जो मैं RR 310 पे भी पहनता हूँ। तो अभी यहाँ से सीधा निकल रहे हैं, यलंका एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और ये देखो भाई साहब बिल्कुल स्लो चला रहे हैं, पता नहीं किस क्रूजिंग स्पीड पे चला रहे हैं। 79 पे मैं हूँ, आई थिंक 30 पे वो होगा, जो भी है। तो मेरे को ऐसे भी बाइक राइड करने में मज़ा आता है, मतलब पल्सर ले लो निकल जाओ। ये देखो अभी तो ये मतलब मेरी कॉलेज टाइम की ना फेवरेट बाइक थी, मतलब अभी भी फेवरेट है, मैं जब चलाता हूँ ना तो ये देखो बाइक इतनी स्मूथ खींचती है। मतलब मैंने लिटरली इसको इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि आई थिंक मैं इसको आराम से 20 साल और खींच सकता हूँ, क्योंकि बाइक का बिल्कुल जो स्मूथ इंजन है ना वो अभी तक नहीं ख़त्म हुआ, पूरा बराबर एकदम चकाचक चल रही है बाइक। तो जब मैं बाइक राइड पे निकला था आई थॉट कि गर्मी रहेगी थोड़ी सी, बट यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी आउटर में आ चुके हैं, तो एज यू नो कि बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है 30 किलोमीटर दूर है मेन बैंगलोर से, मतलब मेन बैंगलोर भी नहीं एक्चुअली जो मेरा एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से भी 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे बस पहुँचने वाले हैं, अपना सीजन्स जस्ट आ गई है, थोड़ा सा और आगे। मतलब मैं इस बाइक में सोच रहा हूँ मैं एक बार कॉर्नरिंग मार के देखता हूँ, बट ऐसा कोई रास्ता है नहीं फिलहाल, तो आई अवॉइड। तो आज की राइड में ना थोड़ा सा मस्ती करने का मन कर रहा है, मतलब जैसे सैडलिंग कर लो बाइक राइड चलाते टाइम में, बाइक राइड करते टाइम में सैडलिंग कर लो। तो यहाँ पे अभी सीजन्स आ चुका है आगे और यहाँ पे है मैकडी, ये क्या खुल गया है MVN रोहरी पता नहीं क्या है, वाह वाह मज़ा आ गया आज की बाइक राइड करके। बाइक वाइक पार्क कर लिए, चाय पीते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, लंच डिनर भी नहीं किया मैं। मज़ा आ गया नहीं राइड करके, मज़ा आ गया, मज़ा आया, मज़ा बहुत।
मैं खींचा 103 पे वो कितना सीसी 160 सीसी है ना वही अरे नहीं कार्बोरेटर का पाइप फटा हुआ है 8000 आरपीएम से ऊपर नहीं जा ओ ये फिर भी 115 मार 60 180 220 250 सही सारे हो गए एक स्कूटी और आई थी 100 सीसी भी आता मैं जुपिटर लेके आते लीशा तो अगर तू जुपिटर लेके आता मैं पक्का एंटॉर्क लेके आता बगाने का फुल ऑन मोड था एंटॉर्क उसका आवाज भी थोड़ा मस्त है ये आ रहा है बीटा पा रहा है चलो चाय वाय ऑर्डर करता ऑलराइट सो अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस चाय वाय पी लिए उसके बाद शॉर्मा खा लिया जो कि मेरा फेवरेट है अगर आपको नहीं पता हो तो अभी जाएंगे और थोड़ा सा फोटो वोटो खींचेंगे फोटो इसकी भी आपको इंस्टाग्राम पे फोटो मिल जाएगी तो इंस्टाग्राम आईडी अगर आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स देखे होंगे देन आपको पता होगा इंस्टाग्राम आईडी इज विकेट राइडर ऑफिशियल यू कैन फॉलो मी एंड आई एम वेरी फ्रीक्वेंट मतलब मैं ऑलमोस्ट डेली एक पोस्ट और वीकली टू रील्स अपलोड करता हूँ गजब बेइज्जती है ये आना चाहिए ये वाला आना चाहिए सॉरी गजब बेइज्जती है अगर ये व्लॉग में नहीं आया तो मैं लाइक नहीं करूंगा ये आएगा आएगा बर्नआउट भी मार रहे हैं क्या बर्नआउट ट्राई करता हूँ ये बेटे हाँ बेटे माज कर दी हाँ माज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर वो तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई अरे भाई धुआं धुआं हो गया पूरा बर्नआउट का धुआं हो गया ऊपर A few moments later. तो आज बाइक पे हो गया ज्यादा बर्नआउट तो क्लच पूरा चला गया है अभी टाइट करके देख रहे हैं चलेगा तो ठीक है नहीं तो धक्का मार के लेके जाएंगे आज हाँ वही ठंडा हुआ फिर आज हैवी ड्राइवर वाले काम कर दिए नहीं तो अभी देखते हैं बाइक सही होगी अर्चित भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे इनकी वजह से आज बाइक सही हो गया अरे इसका चाबी कहाँ गया अच्छा चाबी इधर नहीं है चाबी उड़ा दी क्या चाबी कहाँ गया अच्छा इधर है इधर है टोल किट मामले में फंसा दो अरे हट जा चढ़ा रहा है करेंगे रोक के अभी एक काम करो न्यूट्रल पे चालू करो मार्क से निकल अभी हो रहा है क्या अभी भी हो रहा है प्लेट गरम सेकंड बार सेकंड बार थोड़ा पीछे ही चलना मेरे तो अभी अपना बाइक समाउ चल गया है चला के लेके जा रहे हैं देखते हैं अभी आगे कितना दूर तक खींचता है कांड कर दिया यार आज आज मैं बोल रहा था कुछ मस्ती करने का मन चल रहा है मस्ती बाइक ने मेरे के साथ कर दी एनीवेज बट बाइक चला के तो मज़ा आ ही गया अब देखते हैं सो आई गेस अभी अगर स्टॉप करता हूँ थोड़ा सा अभी तो मैं चलाऊंगा क्योंकि इसमें एयर कूल्ड है तो क्लच प्लेट मैंने जब बर्नआउट मारने का ट्राई किया तो हुआ ये कि अभी क्लच प्लेट गर्म हो चुकी है और जैसे मैं
और जैसे ही मैं न्यूट्रल से फर्स्ट गियर पे ले रहा हूँ तो वो जर्क आके बंद हो जा रही है। तो थोड़ा देखेंगे, चला लेंगे, ठंडा हो जाएगा चलते चलते, देन इट विल नॉट कॉज एनी इशू। बस यही है कि मैं जहाँ से रास्ता जब चेंज हो जाएगा ना मेरा, उस टाइम पे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को घसीटना पड़ जाएगा, क्योंकि धक्का मारने वाला कोई रहेगा नहीं और मेरी लग जाएगी। पर देख लो यार, मतलब ये बाइक का कंसोल मैं तो बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। मैंने क्या क्या नहीं करवाया था, मतलब मैं सोचा था कि बाइक राइड पे निकलूँगा और मतलब जब मैं पहले सिर्फ पल्सर 150 चलाता था तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि यहाँ पे अगर दूर दूर राइड पे भी निकलता हूँ देन मैंने ये लगवा लिया था। तो उसके हिसाब से मेरे को लगा कि चल ठीक है, यहाँ पे फ़ोन लगा देंगे, क्लिप हो जाएगा आराम से और लंबी राइड पे निकल जाया करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऑफिस का काम अलग और फिर देन उसके बाद में अभी फिर RR3 रिटर्न, जैसे मैंने ले ली तो RR3 रिटर्न से ही जाता हूँ मैं। तो मैंने अभी बाकी जो बाइक रिव्यूज़ ब्लॉग बनाया है, अगर आपने नहीं देखे हैं देन आई जस्ट यू कैन जस्ट वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द वीडियो, तो जो ऊपर आ रही होगी आपको इस साइड में यू कैन वॉच ऑल माई रिव्यू वीडियोज और शो सम सपोर्ट। आई एम गोइंग टू कम्प्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स, सिर्फ 15 सब्सक्राइबर्स और चाहिए मेरे को 1000 अचीव करने के लिए, और आप लोगों के प्यार में काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और काफ़ी हद तक सब्सक्राइबर्स मेरे अच्छे ग्रो किए हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल। जेडी भाई RTR में भी पूरा RR3 वाले मजे लेते हो, देखो कितना स्पीड से क्रॉस किए। सो ओवरऑल जो है मेरी आज की राइड का मेन मकसद यही था आपको बताना कि अगर आप बाइक राइड करते हो देन योर बाइक डजंट मैटर, क्योंकि आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि आपको किस राइडिंग में मज़ा आ रहा है, आपको बाइक कौन सी चला रहे हो डजंट मैटर, जो मर्जी बाइक चलाओ, बस कीप राइडिंग। जो भी लोग बाइक राइडिंग पसंद करते हैं जस्ट कीप राइडिंग, बस पेट्रोल फिल करा रहे हो चलते चलो। आई नो पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया है बट क्या कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको मेरा जो मैसेज था अगर वो आपको अच्छा लगा है देन शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरी वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बाइक राइडिंग। शेयर कर दो बस वीडियो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगी होगी इस वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।